नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया, कहा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए। पाकिस्तान के परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रम पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका ने उसे इन कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए कहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे परमाणु सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता पर खतरा बढ़े। अफगानिस्तान और पाक के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड ऑल्सन ने सदन की विशेष मामलों की समिति द्वारा पाकिस्तान के मुद्दे पर आयोजित सुनवाई में सांसदों से कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आपकी चिंताओं से वाकिफ हैं, विशेषकर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के विकास से जुड़ी चिंता से। हमें सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम की गति और इसके विस्तार को लेकर है, जिसमें परमाणु तंत्र पर काम करना भी शामिल है। आपने जेटली से इस्तीफा मांगा, डीडीसीए ने दी क्लीन चिट। आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वित्त मंत्री अरुण जेटली को हटाने की मांग की। पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा, संजय सिंह तथा कुमार विश्वास ने गुरुवार को डीडीसीए में हुई कथित धांधली का ब्यौरा सार्वजनिक करते हुए कहा कि यह सब घोटाला वर्ष 1999 से 2013 के बीच हुआ, जब जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे। दूसरी ओर डीडीसीए ने अपने पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को बकवास करार दिया है। डीडीसीए के मौजूदा अध्यक्ष चेतन चौहान ने कहा कि डीडीसीए के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं और इसके लिए सफाई देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि स्टेडियम के निर्माण में कुल 141 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस कीमत के बढ़ने की वजह यह है कि फिरोज शाह कोटला मैदान की क्षमता पहले 26,000 थी, लेकिन हमने इसे तोड़कर दोबारा बनाया। यह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में दर्ज है और इसके लिए EPIL दिया गया था, इसलिए सभी आरोप निराधार है। ISIS के 212 ठिकाने ध्वस्त, रूस ने किए 59 हवाई हमले। रूस ने सीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को लक्षित कर पिछले 24 घंटों में कुल 59 हवाई हमले किए हैं, जिसमें आतंकवादियों के 212 ठिकानों पर बमबारी की गई। रूसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इगोर कोनाशेनकोव ने जानकारी देते हुए कहा कि IS आतंकवादियों को लक्ष्य बनाकर पिछले 24 घंटों में सीरियाई प्रांतों अलप्पो, इदलिब, हमा, होम्स और रक्का में कुल 59 हवाई हमले किए गए, जिसमें IS के 212 ठिकानों को निशाना बनाया गया। उल्लेखनीय है कि रूस के अलावा अमेरिकी नेतृत्व में भी गठबंधन सेनाओं ने IS के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं। BCCI ने ICC को दिए 2.4 करोड़ रुपए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वनडे विश्व कप 2015 के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के अपने दल में अतिरिक्त सदस्य ले जाने के मद्देनजर ICC को 2.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वर्ष की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी में खेले गए विश्व कप के दौरान भारतीय टीम में तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी को अतिरिक्त सदस्य के तौर पर ले जाया गया था। ICC के नियमानुसार टीम में केवल 15 सदस्यों की अनुमति होती है जो विश्व कप के लिए पंजीकृत होते हैं, लेकिन भारतीय टीम में कुलकर्णी को अतिरिक्त सदस्य के तौर पर ले जाया गया था, जो वनडे त्रिकोणीय सीरीज के संपन्न होने तक टीम के साथ रहे थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।